होते। सभी एक रस स्थिति में स्थित विदेही अवस्था वाले ट्रस्टीज को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। आ अब लौट चले इस जहां से दूर प्यारे अपने वतन। क्या अपने घर अपने वतन लौटना इतना आसान है? क्या करना है जाने से पहले? पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल पावन कर्मातीत बनना है। आत्मा को सबसे ज्यादा मोह शरीर से है, डरती है आत्मा शरीर छोड़ने से। देखते सुनते हैं ना उदाहरण अपने आसपास। लेकिन बाबा ने समझ दे दी है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो निकल गया ना सबका मौत का डर। निकल गया, बहुत अच्छा। ये जो हम रोज मुरली से पॉइंट्स लिखते हैं, क्या करना है इनका? ऐसे ही डायरीज भरनी है? नहीं, भल भरो लेकिन बुद्धि रूपी डायरी में छप जाए, हम धारणा मूर्त बन जाए। हम आत्माओं को परमात्मा मिल गए, यह है सबसे बड़ी लॉटरी। तो इसको कैसे कैश करना है, कैसे इसका फायदा उठाना है, जानने के लिए करते हैं सोमनाथ का सोम रस पान। तारीख है आज 4 मार्च 2024। चार तो मधुबन चार धाम की रूहानी यात्रा रोज करनी है। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन परमातीत बन जाएंगे तब घर में जा सकेंगे। शरीर से सबसे ज्यादा मोह है आत्मा को, तो बाबा कहते हैं शरीर सहित सब चीजों से मोह निकालो, ममत्व निकालो। नष्टो मोहा बनना है। देह के संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार कुछ भी पुराना हम में ना रहे, कहीं भी बुद्धि ना अटके। बाबा कहते हैं हमें पावन बनना है, पवित्र बनना है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है, कर्मातीत बनना है, कर्म के फल के प्रभाव से अतीत बनना है, न्यारे बनना है, तब हम घर जा सकेंगे। प्रश्न, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? उत्तर में बाबा कहते आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। यदि दुनिया छोड़ना चाहते हैं, शरीर छोड़ना चाहते हैं, फिर भी रहना तो पड़ेगा शरीर में, फिर से शरीर मिलेगा, क्योंकि जो भी कर्म किए हैं उसकी सजा, उसका फल तो भोगना ही है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, पावन दुनिया में जाएंगे, पावन शरीर मिलेगा। और आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, तो हमें तो खुशी है कि हम पुराना वस्त्र छोड़ नया वस्त्र धारण करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नोंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे तो जानते हो। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है, जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की, रोने आदि की बात नहीं, यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम योगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है अब वापस चलना है। कहाँ? घर। वह भगवान का घर है ना,
यह कोई घर नहीं है, जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। यहाँ तो हम मेहमान हैं, तो अब वापस जाना है अपने घर। वहाँ यह शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। देखो कैसे ड्रेस एड्रेस सब बदल जाता है। परमानेंट एड्रेस कहाँ है हमारा? परम धाम में। और यहाँ पे साकार दुनिया में मधुबन। तो बाबा कहते हैं यह कोई घर नहीं है, जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहां पे ये शरीर नहीं है। मनुष्य कहते हैं जैसे हम भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हम कहेंगे आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर, उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कहाँ शरीर न छूट जाए। देखो कितना इलाज कराते हैं। अज्ञान काल में भी डर रहता है, अभी भी तो पुरुषार्थ करना है ना, बाबा के साथ रहना है, कितनी सेवा करनी है, तो अभी तो शरीर छूटना नहीं चाहिए। तैयार है क्या शरीर छोड़ने के लिए? संपूर्ण बन गए तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके, वह है ही पवित्र आत्माओं का घर, यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं पांच तत्वों से, तो पांच तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं। क्यों आत्मा को शरीर में रहना है? क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं और ये पांच तत्वों से बना है, तो यहाँ के पांच तत्व खींचते हैं शरीर में रहने के लिए। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी है ना, तो वहाँ मूल वतन में यह तत्व नहीं है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, जो इन पांच तत्वों से परे वो भगवान। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अपनी प्रॉपर्टी से मोह होता है ना, नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम, तो यह पांच तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। पांच तत्व भी आत्माओं को खींचते हैं कि आकर नीचे पार्ट बजाओ, और जब पार्ट पूरा होता है देखो तो ये प्रॉपर्टी और जो हमने यहाँ कमाते हैं प्रॉपर्टी, धन दौलत, विनाशी प्रॉपर्टी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो बाबा कहते हैं पांच तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। शरीर बिना खेल कैसे चलेगा? यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो पांच तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है, वहां तो पवित्र रहते हैं, इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन पांच तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। सब आत्माभिमानी है ना, वहां
हम पवित्र बने फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। यहाँ विकारों के कारण शरीर मिलता है, इसलिए माया खींचती है, विकार खींचते हैं, और वहाँ योग बल से शरीर बनता है, इसलिए देह से ममत्व नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुखी नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है, धन दिए धन ना खुटे, यह विनाशी ज्ञान धन जितना हम दान करेंगे कभी भी खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वह और बात है। विचार सागर मंथन करने के लिए रोज का पॉइंट लिखना तो जरूरी है, लेकिन फिर ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनना भी है। बाबा कहते हैं खुद को तो काम में नहीं आती है, आपने लिखा और यदि धारणा मूर्त नहीं बने, किसी को बता दिया, तो आपके काम का तो नहीं रहा ना। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं, लिखते हैं फेंक देते हैं, देखते भी नहीं हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ फिर वह काम में आता है, लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा, बुद्धि में नहीं बिठाया, बने नहीं तो फिर क्या फायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है, क्लास में दिखाने के लिए लिखते हैं क्या, खुद नहीं यूज कर रहे हैं तो जैसे कि खुद को ठग रहे हैं। यह तो धारणा करने की चीज है, बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी ही कंठ किया है, कहीं लिखा हुआ था तो बाबा ने थोड़ी याद कर लिया, या ब्रह्मा बाबा भी खाली लिखे और ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिए, धारणा मूर्त बने ना। मम्मा भी देखो बुद्धि रूपी डायरी में ही नोट करती थी, तुरंत जो बाबा ने कहा और मम्मा वैसी बन गई। तो बाप तो रोज समझाते रहते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, फिर वह बल खलास हो जाता है। तो पांच तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। वेंटिलेटर में देखो कितनी तकलीफ होती है आत्माओं को, किसी का आप में मोह हो बैर हो या किसी से आपको मोह हो बैर हो तो भी आत्मा आसानी से शरीर नहीं छोड़ पाती है। और बाबा कहते हैं कि शरीर से ममत्व हट गया, मिट गया, पवित्र बन गए, दैवी गुण धारण कर लिए, तो आत्मा आसानी से शरीर छोड़ देगी। नष्टो मोहा बन गए तो जैसे कि मक्खन से बाल निकलता है, वैसे आत्मा बाबा की याद में आसानी से शरीर छोड़ देगी। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी, हम प्योर थे, इस दुनिया से ममत्व नहीं था, वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए, वहां तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है, अभी तो सब पतित है, इसलिए पांच तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। लेकिन पुतले क्या होते हैं, जल जाते हैं ना, ये पांच तत्वों का पुतला ये भी तो जलेगा या बहेगा या दफनाया जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं।
बाबा कहते हैं कि पवित्र बनकर आना है, और अभी सब पतित हैं इसलिए पांच तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इसलिए इसको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो अब तो समझ आ गई, विवेक कहता है कि शरीर छोड़ जाए और बाबा के पास चले जाए। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, है ना? कितने डॉक्टर के चक्कर लगते हैं देखो। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पास। अब तो रूहानी सर्जन के पास जाना है। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है, यह शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, आत्मा और शरीर दोनों तंदुरुस्त हों इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत एक्सरसाइज करनी है, पुरुषार्थ करना है। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं? परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते हैं। आधे अधूरे थोड़ी जाना है, संपूर्ण बन के जाना है, संपूर्ण बनकर एवर रेडी रहना है। बस फिर कोई भी एक सेकंड, न जाने कौन सा पल, पहुंच जाएंगे बाबा के पास। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं। डर के कारण देखो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब भरे हुए हैं, भक्ति चल रही है, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं, हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं, यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो, नष्टो मोहा बन जाओ। यह तो पांच तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है, विनाशी है ना ये, तो मोह निकल जाना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। माया तो पांच विकार हैं, लेकिन जो कुछ दिख रहा है ये भी छलावा मात्र है, विनाशी है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं? ये दुम है, ये पूंछ है, देखो एक होती है ना पूंछ, पूंछ की पूंछ, हमको पूछा नहीं, हमको पूछा नहीं, ये नहीं किया, इसमें भी फंसे रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये शरीर भी क्या है, दुम है, पूछ है, बाद में मिला है ना ये, तो जब यहाँ पार्ट बजाने आए माँ के गर्भ में मिला ये, तो ये दुम है, छूटती ही नहीं है। हम क्यों फंस गए इसमें? हनुमान की देखो पूछ में आग लगाई थी, तो बुद्धि से इस पूछ में आग लगा दो, इस दुम में आग लगा दो, मर जाओ, पुराने शरीर से मर जाओ। रहना तो इसी शरीर में है अभी, लेकिन बुद्धि से मोह निकल जाए, हाँ नया शरीर मिलेगा, पावन शरीर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है, रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं।
देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला, देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता है, मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, मोह का क्षय यही हो जाए, इस शरीर में रहते तो मोक्ष एक स्थिति है उसका अनुभव होगा। बाकी जितने समय तक परम धाम में रहते हैं, जन्म में नहीं आते, शरीर में नहीं आते, वो मोक्ष का पीरियड है, लेकिन कल्प में आना तो है ही ना, जब जिसका समय है जैसा पुरुषार्थ है आना तो पड़ेगा ही। तो बाबा कहते हैं मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, उसकी चिंता करो जो अनहोनी हो, लेकिन सब तो फिक्स्ड है, जो हो रहा है वही होना चाहिए, वही होना लिखा है, और जो हमने किया वही हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें ही कल्याण है, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं। सत्युग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है, चिंता की चिता में देखो जल रहे हैं। तो बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है, बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा, आसानी से शरीर छूट जाएगा। कलयुग में देखो मौत आसान है क्या, आत्माएं कितना तड़पती हैं। तो बाबा कहते सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए, पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं, और कोई युक्ति है ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है, ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा, जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं यह सब भूल जाता है, सब भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं ना देवताएं क्या हैं, रॉयल बुद्धू हैं, स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते, कैसे पवित्रता का ताज आया, कैसे रत्न जड़ित ताज आया जानते ही नहीं है। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, वो तो सोच भी नहीं सकते, तो उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है। ब्रह्मा बाबा को भी जब बाबा आए तभी पता चला ना, ब्रह्मा बाबा भी कितने शास्त्र पढ़ते थे, दादा लेखराज जी। बाबा कहते फिर जब मैंने आया, मैंने बताया, तुम सुनते हो तो तुमको टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, समझ में आता है, आत्मा को देखा है क्या, समझते हैं आत्मा है। मुरली सुनते हैं तब समझ में आता है ना, ये साधारण इंसान नहीं बोल सकता है, तो अनुभव होता है, तो समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है। बाबा कहते हैं ना मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं जानने समझने और अनुभव करने लायक हूँ, तो आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं, 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। मान लो 10-20 लाइट, 10-20 बिंदी दिख भी गई, उससे होगा भी क्या। तो बाबा कहते हैं समझ भी ना सके, बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है। अब कोई बिंदी दिखी, हाँ कई बार देखा है, याद है ऐसा हुआ है बचपन में भी कि दिन में तारे नजर आते हैं, हाँ कभी तो हुआ होगा ना, तो क्या वो आत्मा है परमात्मा है। मान लो दिख भी गया कुछ लाइट तो समझ में कैसे आएगा। तो बाबा कहते हैं मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता, बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं, या थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा है वह परमात्मा है।
अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है, कितने जीबी का देखो, इतना छोटा सा सिम, कितना डाटा स्टोरेज। तो आत्मा भी तो सिम है ना, संस्कार, इंटेलेक्ट और माइंड, मन बुद्धि संस्कार। और ये शरीर क्या है? मोबाइल डिवाइस। तो ये सिम, ये आत्मा इसमें आती है डिवाइस में, देखो कैसे एक्टिवेट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। कितनी कुदरत है, कुदरत, खुद रची हुई, किसी ने बैठ के ये ड्रामा बनाया नहीं है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति किसी ने नहीं बनाया, कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे, नुकसान हो जाता है, बहुत कर्जा है, दिवालिया हो जाते हैं, तो लगता है कि बस अब निकल ले। आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे? जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लिया, भले आप अभी ये शरीर छोड़ दो, लेकिन वो अकाउंट कहाँ जाएगा? कैरी फॉरवर्ड तो हो गई ना, वो कैसे छूटेगा? तुम पुरुषार्थी करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। क्या है रास्ता? सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करते करते बाबा कहते हैं शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हर समय बाप की याद रहे। मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है, अटकाती है, भटकाती है भी दोनों साथ इकट्ठे, इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। जिस तन में भगवान की प्रवेशता है वो कह रहे हैं मैं भी भूल जाता हूँ कि मेरे ही अंदर है। बड़ा कठिन है, घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, कुछ याद आया, कोई याद आया। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तब विन करें। जीत कब होगी? जब पवित्र हो जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब देखो नंबर 1 भी बन जाएंगे। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना, ईश्वर खुद लॉटरी है जो हमारे लगी है। बाबा को याद करना यह है याद की डोरी, याद की डोरी बांध लो इससे, बंध जाओ और देखो फिर कैसे उड़ान भरेंगे मुक्त। बाबा को याद करना यह है याद की डोरी, बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना, कैसे राजाई स्थापन हुई है, तुमने अनेक बार राजाई की है फिर गंवाई है। बाबा हर 5,000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं, फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, अनराइटियस कर्म करते हो, उल्टे रास्ते चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत वही बातें समझाते हैं बाप को याद करने की, है तो बहुत सहज। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं, मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो, वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, यथार्थ याद जो कहते हैं ना बाबा। परंतु वापस तो कोई आता नहीं, भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। कल्प के पिछाड़ी में बाबा आते हैं फिर यथार्थ योग सिखाते हैं, बीच में तो कोई भी नहीं जा सकता है।
फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। बाबा आकर ज्ञान देते हैं तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं, उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, तो कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। यह सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेगी, जो स्कूल का होगा वही समझेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है, जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। आज से पहले सुनी थी ऐसी बातें? कोई भगवान मिला ही नहीं। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं, ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं, परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, यह दोनों ही इकट्ठे हैं। बुद्धि विशाल हो गई, बेहद की सोच हो गई, बाबा कहते हैं यह दोनों ही इकट्ठे हैं। यह भी किसको देखेगा, ब्रह्मा बाबा भी किसी को देखेंगे, समझता है शांति का दान देना है। यह भी किसी को देखता है तो समझता है कि शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घर का है वह नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। तो आप सब भी क्या हो, हम सब भी क्या हैं, मास्टर रूहानी सर्जन। नब्ज देखो भाई बहनों की, अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा, फिर ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, फिर बाबा का बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस पांच तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। दूसरा, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा। वो रिद्धि सिद्धि वाली सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे, है ना, सफलता मिलेगी। सब लोगों को सफलता का, विजयीपन का एहसास होगा। बाबा कहते हैं आप जैसा डायरेक्शन देंगे उनको सफलता मिलेगी, प्राप्ति होगी। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी और सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो तब प्रत्यक्षता होगी। माना नाम मान शान और सफलता उसको स्वीकार न करो, किसकी दी हुई है, वो बाबा की है। तो बाबा कहते हैं उस सिद्धि को जब आप स्वीकार नहीं करोगे तब प्रत्यक्षता होगी, ये नहीं कि मैंने किया। क्या भाव होना चाहिए कि ये जो सफलता हुई है ये किसकी देन है, बाबा की देन है, सबके सहयोग से सफलता मिली है, मैंपन
नहीं हो। ऐसे सिद्धि स्वरूप, ऐसे वरदानी हमें बनना है। बाबा कहते हैं जब हम अपनी सफलता को बाबा को समर्पित करेंगे तब हम बनेंगे सिद्धि स्वरूप और तब प्रत्यक्षता होगी। और वैसे भी वो अपनी सफलता कहाँ है, अपने द्वारा कहाँ हम अचीव कर सकते थे, तो बाबा की दुआएं हैं ना, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा ने दी है ये विशेषताएं। तो समर्पण भाव हो तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। बाप समान बनकर, बाप समान विदेही अवस्था, बाप समान अव्यक्त स्थिति, हाँ ऐसी स्थिति में ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच करे जब बाबा से मिलन हो तो हम कितने वरदान लूट सकते हैं, कितने वरदान ले सकते हैं। भोलानाथ बाबा भंडार खोल कर बैठा है, जितना लूटना चाहो लूट लो। तो ये थी आज की मुरली रिवाइज करने के लिए। आज के 5 पॉइंट हैं। पहला, कर्मातीत। बाबा ने कहा अब बिल्कुल भी ममत्व कहीं भी न रहे, देह में भी नहीं और पुरानी दुनिया के किसी पदार्थ, संबंध, स्वभाव, संस्कार, किसी से भी ममत्व न हो। संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है, कर्मातीत बनना है। दूसरी बात, नो डर, किसी भी चीज का डर न हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो शरीर छोड़ने का डर न हो, निडर बनना है, नो डर। तीसरी बात, ईश्वरीय लॉटरी, तो याद करना है बाबा को ये लॉटरी कैश करानी है। चौथा, सिद्धि स्वरूप, तो सफलता को स्वीकार नहीं करना है, बाबा को समर्पित करना है। पांचवा, अव्यक्त स्थिति में रहना है, विदेही अवस्था हो, ऐसी अवस्था से मिलन मनाना है, तो हम भी वरदान प्राप्त करेंगे और वरदानी मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। जन्म जन्म का